सात राज्यों के 13 विधानसभा उपचुनाव के परिणाम पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कहा कि जब आम चुनाव नहीं होते और उपचुनाव होते हैं तब भाजपा इस तरह से पिछड़ जाती है। 4 जून के नतीजों से पता चला कि जनता ने पीएम मोदी की गारंटी से इनकार कर दिया है। इसका अर्थ यह है कि भाजपा का जनाधार लोकसभा और राज्यसभा में खिसक रहा है। देखिए, जब आम चुनाव नहीं होते और जब इस प्रकार से उपचुनाव होते हैं, भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से पिछड़ जाती है। आप राजस्थान में आप देखें, आपने उसको मंत्री बनाया, मंत्री के रूप में चुनाव लड़ा है, लेकिन वो फिर भी हार गए। तो ये बहुत सारे संकेत। एक बात तो ये है कि मोदी अभी जो 4 जून का जो रिजल्ट आया उससे जो मोदी की गारंटी है उसे जनता ने अस्वीकार कर दिया। 400 पार की बात करते थे तो 140 में आकर अटक गए। और अभी जब विधानसभा के उपचुनाव हुए उसमें 13 में केवल 2 सीटों जीत पाए, बचत विरोधी दल जीते हैं। इसका मतलब है कि उसका जनाधार खिसक रहा है लोकसभा में भी और राज्यों में भी। ये स्थिति दर्शाता है। दूसरी तरफ ये भी ये संकेत देता है कि जब बड़े चुनाव होते हैं तब शायद ईवीएम का खेल होता होगा, या ऐसे चुनाव होते हैं उसमें तो कहीं नहीं, चाहे वो बद्रीनाथ की बात करो, चाहे वो हिमाचल की बात करो, चाहे उत्तराखंड की बात करो, चाहे कहीं बात करो, भाजपा खिलाफ में फैसला आते हैं।